नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। नीतीश के दिल्ली वाले बंगले पर मची रार, तेजस्वी और जेडीयू आमने सामने। बुधवार को एक समाचार पत्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में एक आलीशान बंगला दिए जाने की खबर छापी, जिसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। समाचार पत्र में छपा कि अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर बिहार भवन या फिर बिहार निवास में ही ठहरते थे, मगर अब उन्हें 6 के कामराज लेन में एक आलीशान बंगला आवंटित किया गया है। इसी खबर को लेकर तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट करते हुए नीतीश पर हमला बोला और कहा कि अब भाजपा ने उन्हें दिल्ली में रहने के लिए बड़ा बंगला दे दिया है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश अब हफ्ते में 4 दिन दिल्ली में रहने लग गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद को फंसाना और सृजन घोटाले में खुद को बचाना ही सीएम नीतीश का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने लिखा कि बिहार वासियों को हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर इस साल भी एक और नई सरकार बने, क्योंकि तभी नीतीश के नेतृत्व में होगा 5 साल 5 सरकार। इधर तेजस्वी ने नीतीश को दिल्ली में आवंटित आलीशान बंगले को लेकर हमला बोला तो जदयू की तरफ से भी जवाबी हमले किए गए। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए जदयू ने कहा कि उनकी सोच बंगले से ऊपर उठ ही नहीं सकती है। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को सत्ता से बेदखल हुए 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर अब तक उन्होंने अपना सरकारी बंगला नहीं छोड़ा है जो उन्हें उप मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अब तक उस बंगले पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव को शुक्र मनाना चाहिए कि फिलहाल बिहार सरकार की उन पर अनुकंपा बनी हुई है और अब तक उन्हें उस बंगले का सुख मिल रहा है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव को सत्ता से बेदखल होने के बाद एक पोलो रोड बंगला आवंटित किया गया है, मगर वह अब तक उस बंगले में नहीं गए हैं और फिलहाल उन्हें पूर्व में आवंटित 5 देशरत्न मार्ग बंगले में ही रह रहे हैं। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।